गलती हुई हमसे, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ रखकर पुलिस के हवाले किया तो राज ने छोटा भाई समझ के छोड़वा दिया। दमयंती अपने बेटे को लो और निकलो इस घर से। अगर गंगा जल में उस दिन किसी दुश्मन का चेहरा दिखता ना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो चिराग का होता। आप मुझे इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकते। गुरुराज का फूटा गुस्सा दमयंती पर। दमयंती अपने बेटे को लो और निकलो इस घर से। दमयंती को निकालना चाहता है वो घर से बाहर। दमयंती अपने बेटे को लो और निकलो इस घर से। सीरियल कयामत से कयामत तक कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह गुरुराज ने खोया अपना आपा, बरस पड़े वो दमयंती पर। गुरुराज का रौद्र रूप देखकर दमयंती को लगा बड़ा झटका। दमयंती ने की समझाने की कोशिश, मगर गुरुराज निकालना चाहता है दमयंती और उसके बेटे को घर से बाहर। और वहीं सुमित्रा ने भी छोड़ा दमयंती का साथ, की गुरुराज की तरफदारी। तो अब आगे देखना होगा दिलचस्प कि क्या चिराग कर रहा है राज और पूर्णिमा को मारने की कोशिश। दमयंती, दमयंती अपने बेटे को लो और निकलो इस घर से। क्या हुआ? गलती हुई हमसे जो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ रहने दिया। पर बात क्या है, आप चिराग से पूछो जीजी। उसने बाथरूम में एसिड, राज उसमें गिर जाता तो आपको लगता है कि ये सब चिराग ने किया? तो और कौन कर सकता है दमयंती, कौन कर सकता है? तो तुम्हारे बेटे की वजह से एक हादसा हुआ घर में, पुलिस के हवाले किया तो राज ने छोटा भाई समझ के छोड़वा दिया, फिर भी वो मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ। दमयंती अपने बेटे को लो और निकलो इस घर से, समझी? नहीं, आप मुझे इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बाबूजी ये घर मेरे नाम कर गए हैं। तभी भी अपने बेटे से कहो कि मेरे परिवार से दूर रहे, मेरा रौद्र रूप दिखाने पर मुझे मजबूर मत करो। और कह देना अपने बेटे से दोबारा मेरी नजरों के सामने ना आए, समझी? ये सब चिराग ने नहीं किया है भाभी। मैं कह रही थी ना, कोई और है जो राज को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बस बस, मैं जानती हूँ कि आप एक माँ हो, लेकिन जब बेटा गलती करता है ना तो माँ को उसे समझाना चाहिए, उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। सुमित्रा मेरे बेटे ने, जी जी, आज तक आपने वो देखा है जो हमारी नजरों से परे है, लेकिन जो आपकी नजरों के नीचे चल रहा था उसे आप कैसे अनदेखा कर सकती हैं? अगर गंगा जल में उस दिन किसी दुश्मन का चेहरा दिखता ना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो चिराग का होता। आप सबने मुझे कम दुख दिए हैं भाभी। जब मेरे बेटे को, बात यहाँ मेरे बेटे की सुरक्षा की है जीजी, और उसे आपके बेटे से खतरा है। नहीं तो मैं राज से कहते देखते रह गए उनको। अभी ऐसा बोल दीजिए नहीं, जल्दी खुला। सीरियल कयामत से कयामत तक से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेली टेल्स।